तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ जहाँ होंगे बेहतर होंगे। मैं जमान शेख आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर। तो ये शाम का वक्त है, हम आए थे अपने लॉफ्ट पे, तो हमने फटाफट से सारे कबूतरों को पहले बाहर किया, फिर उसके बाद उस वाले लॉफ्ट में पानी चेंज किया। अब ये वाला पानी भर रहा होगा, फिलहाल तो ये तो भर गया, तो इसे भी थोड़ा सा इससे पकड़ के, एक हाथ से थोड़ा सा दिक्कत होती है, फिर भी क्या करें, फटाक से पानी को रख देते हैं। फिलहाल ये वाले लॉफ्ट में जितने भी कबूतर हमारे सारे हेल्दी हैं, ठीक ठाक हैं, तो फटाफट से एक बार अंदर भी लॉफ्ट के चेक कर लेते हैं। ये कहाँ जा रही है? और इसमें बेबीज जो हैं वो भी काफ़ी ठीक ठाक हैं, और ये वाला भी जो है काफ़ी ठीक है, ये रहा और एक ये रहा। और ये बाहर भी जो हैं काफ़ी हेल्दी हैं, ठीक ठाक हैं। तो सारे कबूतरों से हम एक बार इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। देखिए काफ़ी हेल्दी है, तो इसमें से दो कबूतर थोड़ा सा बीमार लग रहे थे, जिन्हें हमने उठा करके इस वाले लॉफ्ट में बंद कर दिया, जिसमें से ये एक कलसीरा है ये वाला, और एक कौन सा, और एक इसे भी एक थोड़ा सा झोल वाला सीन हो गया हल्का सा, तो इसलिए इसको भी बंद कर दिया। और वो जो झोल वाली है काफ़ी अनबैलेंस है, उसका ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, धीरे धीरे देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। अभी तो फिलहाल काफ़ी बुरी कंडीशन है उसकी, और बाकी सब तो काफ़ी ठीक हो गए। बाकी जिनकी आंखें आ रही थी, थोड़ा सा आंखों में इन्फेक्शन था, वो सब थोड़ा सा फिलहाल ठीक हैं और हेल्दी भी हैं। तो आज इसमें से कुछ कबूतरों को बाहर निकालेंगे, जैसे वो वाला है ऊपर टॉप पे वो, और एक ये ललमूड़ा रहा, और एक ये वाली जो मादा है वो, और ये तो अंडे बच्चे वाले ही नहीं, इसमें ही छोड़ देंगे क्योंकि उनके बच्चे छोटे छोटे वहाँ पर हैं, वो आप देख सकते हैं वहाँ पे कॉर्नर में, तो इन्हें निकालना मुनासिब नहीं होगा। तो जिन्हें निकालना सही होगा वो वाले कबूतर हम बाहर निकाल देंगे अभी। और एक चीज़ से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, मेरा एक पुराना कबूतर भाग के आया आज, कहाँ पर है ये रहा, ये वाला जो है ये काफ़ी पुराना हमारा कबूतर है, और काफ़ी दिनों बाद भाग के आया फिर से। देखिए अभी नए नए पर्दार हो रहा था, तो जो लास्ट वाली कली अभी भी आई वो पुरानी है, बाकी सब नई है। तो अभी जस्ट ये अभी कुछ देर पहले हम आए तो देखे लॉफ्ट पे बैठा हुआ था। फिलहाल आज पानी में कुछ भी नहीं, पानी एकदम सादा है, क्योंकि फिटकरी भी देंगे तो थोड़ा सा गैप करके देंगे, कंटिन्यू नहीं देंगे। तो चलते हैं फटाफट से इनको दाना पानी देते हैं। आ, आ, तो फिलहाल काफी हेल्दी दिख रही है सर, और वो कलसीरा भी हमें थोड़ा सा सुस्त दिख रहा था, इसलिए उसको हमने जाल में बंद कर दिया। और मुँह टेढ़े वाला इन्फेक्शन देखिए कैसे शुरुआत हो रही है उस वाले कबूतर में, उसको था नहीं इन्फेक्शन, ये जो झोल वाला सीन है वो देखिए वो वाले कबूतर को भी हो रहा थोड़ा थोड़ा। तो चलते हैं इसमें से वो वाला कबूतर अलग कर देते हैं, वो काफ़ी हेल्दी हो गया, ठीक ठाक हो गया, जो टॉप पे एक बैठा हुआ है उसको हम बाहर कर देंगे। और ये जिसे मुँह टेढ़ों का हो गया है उसे तो नहीं हो रहा है, लेकिन इनकी आँख थोड़ा सा डीम हो रही है हल्का सा, तो इनको भी ड्रॉप दे देंगे। एक की है थोड़ा सा ये वाली, ये मुँह टेढ़े की, इसके भी है हल्का सा जरा सा झोल है। तो फिलहाल इसमें से जो हेल्दी है उसे हम आज बाहर कर देंगे। तो चलते हैं, इन लोगों को पहले दाना दे ही दिया है, अभी इनको निकाल करके इसमें से बाहर करेंगे। और इन भाई साहब को भी, कहाँ गए वो ललमूड़ा, उसे भी बाहर कर देंगे अभी। जो कुछ हद तक सही हो गए थे कबूतर उनको हमने बाहर कर दिया, जैसे इसमें से वो वाला रहा कबूतर, वो लास्ट में जो जा रहा है पीली आँख का हुमर जो फुलसीरे में है वो, और इस कलसीरे को इसलिए उसमें से निकाल दिया क्योंकि इसे थोड़ा सुस्त की ही प्रॉब्लम है, और इसमें जो भी कबूतर रख रहे हैं उनको मुँह टेढ़े वाला सीन चालू हो जा रहा है, तो फिलहाल इसलिए उसको निकाल दिया क्योंकि काफ़ी ज़रूरी है हमारे लिए। तो अगर इसमें थोड़ा सा भी दिक्कत लगी ना तो इसको वापस से डाल देंगे लॉफ्ट के अंदर। देखिए सारे कबूतर उसको परेशान कर रहे हैं, इसका मतलब उसको अंदर ही करना पड़ेगा।
तो बेहतर यही होगा कि हम इसे चेक करने के लिए बाहर निकाले दें। तो चलिए इसे अंदर ही कर देते हैं, काफ़ी दिक्कत में है ये, बाहर कबूतर इसे परेशान भी करेंगे, इससे अच्छा है कि ये अंदर ही रहे तो बेहतर है। इसे वापस से हमने अंदर डाल दिया, मैं सोचा कि क्या पता थोड़ा ठीक हो, इसलिए थोड़ा बाहर निकालता हूँ। देखा इसकी कंडीशन थोड़ा सही नहीं लग रही है, तो वापस से इसको लॉक में अंदर डाल दिया। और एक और है इसमें पीली आइज वाली, उसे भी मैंने अभी अभी जस्ट बाहर निकाला, ये रही फ्रंट पे सामने। तो उसकी हालत काफ़ी ठीक थी, इसलिए उसे उसमें से इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। फिलहाल थोड़ा सा भी दिक्कत किसी में भी दिखी तो कबूतरा इधर से उधर ट्रांसफ़र तुरंत, क्योंकि छुआछूत से ही इनमें इन्फेक्शन फैल रहा है। ये देखिए इसकी भी आँख थोड़ा सा डीम है, अभी इसे भी ड्रॉप देंगे और वो वाले भी लॉफ्ट में ड्रॉप देंगे बाकी सारे कबूतरों को जिसको ज़रूरत होगी। फिलहाल ये थोड़ा सा नॉर्मल है, हमारा जो नया कबूतरा भाग गया है कहीं बीमारी के चपेट में ना आ जाए, वरना आया है सीधा चला ही जाएगा यहाँ से, काफ़ी दिनों बाद आया और काफ़ी दूर चला जाएगा। तो बेहतर यही है कि बीमारी से ना अपने शिकंजे मिले। फिलहाल हमें थोड़ी सी आशंका सिर्फ ये वाले ब्लैक वाले कबूतर पे है जो उमर है, तो अभी तो फिलहाल ये नॉर्मल दिख रहा है, खा पी भी रहा है ठीक ठाक, तो अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम इसमें दिखी तो इसे भी हटा देंगे। तो चलते हैं थोड़ा सा दाना और दे देते हैं। हाँ 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 थोड़ा बहुत जो कसर है वो खा पी करके पूरी हो जाए। फिलहाल तो कंडीशन काफ़ी ठीक है, मेडिसिन का डोज तो अच्छा है, लेकिन जिसकी हालत कुछ ज़्यादा ख़राब है तो उसको एकदम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं बैलेंस। तो सोच रहा था ये वाले कबूतर को मैं लॉफ्ट से हटा ही दूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा परेशान इसमें है। तो किसी के लॉफ्ट में अगर एक्स्ट्रा जगह खाली होगी तो उसे मैं ले आके दे दूँगा, अभी शाम में मैं पता करता हूँ। तो उसके पास थोड़े से बीमार कबूतर थे उसने मुझे बताया, तो मैं सोच रहा हूँ उसे भी, उसके पास थोड़ा सा अलग से केज बना कर रखा हुआ है बीमार कबूतरों के लिए, इससे भी अलग थोड़ा सा पार्टीशन बनाए, देखता हूँ अगर उसमें जगह खाली हुई, अगर इसके लिए कोई जगह होगी तो देखते हैं वहाँ पर इसका ट्रीटमेंट करवाएंगे। फिलहाल काफ़ी बुरी कंडीशन है इसकी, बाकी सबका मुँहतेड़ों को हमने ट्रीटमेंट किया तो ठीक हो गए। ये जो झोल वाला है ये काफ़ी बेचैन है, ये काफ़ी दिक्कत में, आप देख सकते हो उसकी एक्टिविटी देखिए, बेचारा अच्छे से पानी नहीं पी पा रहा, तो उससे ज़्यादा तकलीफ अपने को हो रही है। आप देख सकते हैं सही से पानी भी नहीं पी पा रहा है वो, मैं थोड़ा क्लोज से ही दिखा देता हूँ उसको, ये देखिए। ये देखिए बड़ी मुश्किल से पानी पी पाया बेचारा, देखते हैं क्या मसला है, शाम तक मेडिसिन देते हैं इसको, दवा का डोज देते हैं, अगर कुछ राहत हो गई तो ठीक है। फिलहाल तो कई कबूतर हैं जिसमें से एक ये रहा, एक ये भी है थोड़ा सा, और वो वाली इसको ज़रा सा शुरू है, वो कलसीरा तो सुस्त है, बाकी तो मुँह टेढ़े का शिकार हो चुके हैं और वो तो सही हो गई, ये ब्लैक आइज वाली। फिलहाल देखते हैं क्या कर सकते हैं इनके लिए शाम तक, अभी तो फिलहाल इधर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ये सब ठीक ठाक है खा पी लें, और एक बार लास्ट में लॉफ्ट चेक कर लेंगे कि कोई भी थोड़ा सा दिक्कत होगी किसी में तो उसे इधर से उधर कर देंगे फटाक से। तो अपने कबूतरों को थोड़ा सा ज़्यादा केयर करें, मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगा कि अगर थोड़ा सा भी इन्फेक्शन या कोई भी दिक्कत दिख रही है तो फटाक से उसे बाकी कबूतरों से अलग कर दें, तो मामला थोड़ा रुक जाएगा। और ये आठने की पतंग तबाही मचाई हुई है, काफ़ी तबाही मचाई हुई है, इसका तो गिनीज बुक में नाम आना चाहिए, आपने खुद फ्रंट पे भी देखा। फिलहाल तो ठीक है मामला, बीमार नहीं है इसलिए हमने कोई मेडिसिन नहीं चलाई इनके ऊपर, और उस वाले में जो दिक्कत है उनकी तो मेडिसिन अलग से हमने रखी हुई है, उसमें से मैंने पहले भी आपको दिखाई, वही दवा मैं फिर से देने वाला हूँ।
आप देख रहे हैं वो मुंह टेढ़े की क्या हाल है, काफी बेचैन हो जा रहा खाते खाते। तो इन्हें जो खिलाना होता है ना वो काफी दिक्कत दे होता है, अगर थोड़ा मुंह टेढ़े हो जाते तो चलता है वो अपने से खा लेते, लेकिन जब झोल में आ जाता है कबूतर तो अपनी गर्दन बैलेंस नहीं कर पाता, वो इधर से उधर करता है तो काफी दिक्कत में रहता है। आप देख रहे हैं बड़ी मुश्किल से वो खा पा रहा है, बड़े मुश्किल से पानी ही पी पा रहा था, तो दाना क्या चुगेगा वो। फिलहाल ज़्यादातर खा के अंदर जा चुके हैं, और जो नहीं जा रहे हैं उन्हें इस पतंग ने डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। फिलहाल पतंग को छोड़ते हैं, फटाफट से ड्रॉप लाते हैं बाकी का सारे कबूतरों की जिनकी आँख गई हुई है। ये देखिए थोड़ा सा आँख इसकी डीम हो रही है, बैठा है यहाँ पे ये कबूतरा, तो थोड़ा सा दिक्कत में है ये वाला, तो उसको ला के ड्रॉप अप्लाई कर देते हैं, और जो बाकी सब है उनको ड्रॉप अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि मॉर्निंग तक क्या अच्छा रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि हमने ड्रॉप तो डाला था इससे पहले, कबूतर की आँख ठीक हो गई थी, लेकिन अब दूसरे कबूतरों की थोड़ा थोड़ा हो रही, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसा सीन चल रहा है। फिलहाल नया कबूतर आया तो अपना रूम खोजेगा लॉफ्ट में जाने के लिए, तो जहाँ रूम में वो रहता था वहाँ से वो कबूतरा उसे ढकेल के नीचे कर दिया। वो देखिए वो रहा सामने और उसका रूम वो रहा, तो फिलहाल तो वो उसे रूम में जाने नहीं दे रहे, तो उसे नीचे ही रहना पड़ेगा या फिर झगड़ा करना पड़ेगा अपने रूम के लिए। फिलहाल तब तक के लिए सब अंदर जाने ही वाले हैं, हम भी आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे कोई नई खबर के साथ, बाय बाय टंटणों।